गोधन न्याय योजना ने किसानों और गरीबों को बहुत फायदा पहुंचाया और प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि यूपी और उन्होंने स्पेशली कहा है कि गोधन योजना को आप यूपी में लागू करें, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। आंकड़ा आप देख लीजिए अब सही है, कांग्रेस को हमारे सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में इस बार 45% के आसपास वोट मिलने वाला है, बीजेपी को लगभग 39%, जबकि 2018 का यह आंकड़ा देखिए 43 और 33, उस समय 10% का डिफरेंस था और कितनी बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की हुई थी याद करिए छत्तीसगढ़ के चुनाव। अब सीटों में फिलहाल जो इस बार वोटों का जो डिफरेंस है वो कम हुआ है, पिछली बार 10 था, इस बार कम हुआ है। अब आ गई सीट, देखिए सीट भी देख लीजिए लगे हाथों, आपको क्लियर हो जाएगा। इस बार हमारे सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 55 से 60 सीटें मिलेंगी 90 में से और बीजेपी को 30 से 35, यानी एक बार फिर कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है छत्तीसगढ़ में। हमारा न्यूज 24 का और पेस मीडिया का सर्वे साफ साफ यही इशारा कर रहा है, पिछली बार के तुलना में इस बार कांग्रेस की कुछ सीटें कम जरूर हो रही हैं, लेकिन 55 से 60 एक प्रचंड जीत कही जाएगी 90 सीटों में से, सही है ना शमशाद? ये ट्रेंड है, फिर मैं कहूंगा बार बार ये ट्रेंड है, अगर ऐसा ही ट्रेंड बना रहा तो वो जहां पिछली बार थे वहां फिर पहुंच जाएंगे। देखिए ये रिजल्ट नहीं है, इस बार मार्जिन ऑफ एरर इसमें कितना दे रहे हैं? नहीं वो तो स्टैंडर्ड होता है 1% से 3% का, दो मान के चलिए इसको मिड पॉइंट होगा। मार्जिन वाली यहाँ ऐसी 20 सीटें हैं, यहाँ ऐसी 20 सीटें हैं जो 5% वोटों से कम के अंतर में है, जो उस पर अच्छा करेगा। पिछली बार क्या हुआ था, अजीत जोगी की पार्टी ने डैमेज किया था, याद है 5 सीटें जीते थे, उन्होंने पिछली बार 5 सीटें 3 सीटें हराई अलायंस के बावजूद भी, अलायंस नहीं है इस बार, वो खुद बहुत कमजोर हो गए हैं और जो उनकी सीटें हैं वही स्विंग करेंगी सबसे ज्यादा, वो उनको कहा जाए कि उनको खुद की पोजीशन बचा के रखना इस बार बहुत मुश्किल होगा वोट शेयर में और सीटों में भी। बिल्कुल जी, ये है अंतिम। तो अब देखिए 55 से 60 30 से 35, विनोद जी इसका मतलब भूपेश बघेल ने सारे बॉक्सेस टिक कर दिए, जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में करते थे, राष्ट्रवाद हो, हिंदुत्व हो, जो भी हो, फ्रीबीज हो, भूपेश बघेल ने वही किया, किसानों का टिक किया, हिंदुत्व का टिक किया, उसके बाद भी कोई विवाद नहीं हुआ।